2016 में हुए उरी अटैक पर आधारित फिल्म उरी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और इन दिनों फिल्म के अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री यामी गौतम फिल्म के प्रचार में व्यस्त थे। दोनों ही कल एक रेडियो चैनल पर फिल्म के प्रचार के लिए पहुंचे, जहां दोनों ने प्रशंसकों के साथ बातचीत की और उनसे फिल्म देखने का आग्रह किया। विकी ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि फिल्म आ रही है उरी 11 जनवरी को, सॉरी मैंने चश्मे पहने हुए, मुझे बहुत जोर का जुकाम हुआ है, मेरी आंखों से पानी गिरता जा रहा है, इसलिए चश्मे पहने हुए। पर उरी फिल्म रिलीज हो रही है 11 जनवरी को, गाड़ी के साथ जाइए। अच्छी फिल्म है, सच्ची मैं देख चुका हूँ, अच्छी फिल्म है, आपको अच्छा लगेगा, प्लीज देखिए। यामी ने भी कहा, जैसे विकी ने कहा कि जी उरी रिलीज हो रही है 11 जनवरी को, हम ऑलरेडी काफी एक हैप्पी नर्वसनेस है और एक हैप्पी एक्साइटमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह का रिस्पांस ट्रेलर से मिल रहा है, हम जहाँ भी प्रमोट कर रहे हैं सब हमें पर्सनली बता रहे हैं कि कैसे रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म, क्योंकि पहली बार इस तरीके की फिल्म आ रही है। एंड एनी विच वे बहुत कम पेट्रियाटिज्म इन्फ्यूज फिल्में बनती हैं हमारे देश में, सो इट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम यू विल सी समथिंग लाइक दिस, जो एक ट्रू बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही अहम इंसिडेंट पे बेस्ड है, सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो और साल की पहली आई थिंक यू कैन से रिलीज, तो हाँ वो आप लोग बनाए, सो थैंक यू सो मच एंड वी रियली होप यू लव द फिल्म। आदित्य धर द्वारा निर्देशित और RSVP फिल्मों द्वारा निर्मित फिल्म में कीर्ति कुल्हारी और परेश रावल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। INS रिपोर्ट।